E अदब कोई भी जबान हो आम बोल चाल की भाषा या लैंग्वेज हो या अदबी ज़बान हो वो सिर्फ़ वर्णमाला माला यानि अक्षरों और हरूफ का नाम नहीं है बल्कि उसका हर लफ्ज़ जो है वो किसी मंजर की अक्का करता है यानि जब कोई लफ्ज़ बोला जाता है कोई बात कही जाती है तो दिमाग के खाते दिमाग का जो खाका है जहन का खाका उस पर वो लफ्स के साथ कही गई बात जो है वो उभर के आ जाती मसलन गिर गिर पड़े तो फौरन ये जहन में बात उभरती है कि कोई गिर पड़ा है अब गिर पड़ना कैसा होता है ये नज़रों से देखा जाता है तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो ज़बान जो है वो सिर्फ़ लफ्ज़ों का भी नाम नहीं बल्कि उन लफ्ज़ों के पीछे एक पस मंज़र होता है पूरा यानी ज़बान जो है वो नुमाइंदगी करती है रिप्रजेंट करती है पूरी तहजीब को हर जबान के पीछे एक तहज़ीब होती है उर्दू ज़बान के पीछे का जो पसमंर है वो पूरी उर्दू की तहजीब है और इसका एक बहुत अच्छा जो नुमाइंदगी करती है चीज़ जो इसकी मिसाल है वो है लखनऊ की बेगमाती जबान बगमाती ज़बान से मुराद ये नहीं है कि बेगम हजरत महल जो जबान बोलती थी बेगमाती ज़बान वो है जो घरों में दालानों में यहाँ तक के बौछी खानों में जो ख़ादमायें थी जो बुआई थी वो जो ज़बान बोलती थी उसमें बेहतरीन मुहावरे गढ़े गए हैं कि जो पूरे पूरे जिन चीज़ों को आप चार चार पाँच पर सत्रों में लाइनों में कहेंगे वो एक मुहावरे में पूरी बात जो है वो ज़ाहिर हो जाती और कही जा सकती है ऐसा ही एक मुहावरा है पाँचे भारी होना अब पाँचे भारी होने से आप इस मुहावरे के माने समझ ही नहीं सकते अगर आपको इसका पूरा पस मंज़र नहीं मालूम है कि पाँचे किस चीज़ के भारी होना पाँचे जो खड़ा पाँचा और फर्शी पैजामा बेग मेले पहनती थी वो बहुत भारी होते थे उनकी गोट जरा नीची होती थी तो इस वजह से जब वो उठती थी बेगमांत क्योंकि इतने भारी होते थे उसके लिए लॉन्डी बांदियाँ या खादेमायें होती थी उसको पीछे पकड़ के चलती थी या बेगम साहब खड़ी हो गई किसी सहारे से तो अपने हाथ पे ले लेती थी, थी उस पूरे पैंचे को तो जो लोग जो है और ये बड़ा एतराज़ का मुहावरा है ये तारीफ़ का नहीं है जिन लोगों को बार बार किसी महफिल में किसी जगह इन्वाइट किया जाए बुलाया जाए और वो नहीं आते हैं तो उनके लिए एतराज़न कहा जाता है कि भाई उनके तो पैंची बहुत भारी हैं यानी उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है कि वो उठ के अपने आप खड़े हो और आ जाए तो पाचे भारी होने का माने ये हैं लखनऊ की बेगमाती ज़बान का एक और बड़ा अच्छा मुहावरा है एक लफ्ज़ है जिसको इस्तेमाल करते हैं अरे भाई हम तो बघर गए बघरने का माने ये है कि किसी नाहमवार रास्ते पर किसी सवारी पर आए और इस कदर उसमें नसीब व फराज थे यानी ऊंचे नीचे गड्ढे थे कि बिल्कुल हम बघर गए बिल्कुल उछलते हुए आए और उससे हमें तकलीफ़ महसूस हुई अब ये बघरने का जो पस मंज़र कहा है कहाँ से लिया गया लखनऊ में वह मुमकिन है बाहर भी होता हो जो फलेंदे होते हैं जामुन होती है जो बिल्कुल तैयार होते हैं उनको एक मिट्टी की हंडिया में रख के और उस पर मसाला या नमक छिड़क के और उसको ऊपर से बंद करके उसको हिलाते हैं ज़ोर जोर से तो उसको कहते हैं बघारना तो ये जो मुहावरा है इस बात की मिसाल है कि जिस तरह फलेंदे और उस हंडिया में बघरते हैं उस तरह हम इस नाहमवार रास्ते पर बघर गए बेगमाती जबान में एक और मुहावरे की तरह से एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बरसना बरसने से मुराद पानी के बरसने से नहीं है या दौलत के बरसने से नहीं कहते हैं। हुन बरस रहे हैं उनके यहाँ जिस माने में हम आपको मुहावरा बता रहे हैं वो बरसना है यानी लगता है कि कोई चीज़ किसी के लिए बिल्कुल बनाई गई हो कोई किसी के लिए कोई चीज़ खरीद के लाया किसी रंग का कोई दुपट्टा है या कोई चीज़ भी है कोई जेवर है तो उसको देखकर कर फ़ौरन कहते हैं अरे इस पर तो ये बिल्कुल बरस रहे हैं यानी मालूम ये होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली इन्हीं के लिए बनाया गया तो इस माने में बेगमाती जबान में बरसने का लफ्ज इस्तेमाल होता है एक और मुहावरा है बेदातीबान का चेहरा फक होना चेहरा फक होने से से माने ये है कि बिल्कुल घबरा जाना है। चेहरे का रंग उड़ जाए बिल्कुल तो उसको कहते हैं चेहरा फक होना इसी तरह से इसी जमीन पर एक और मुहावरा भी इस्तेमाल होता है कि काटो तो खून नहीं यानी इतना घबरा जाना कि खून खुश्क हो गया बिल्कुल तो कहते हैं कांटो को खून नहीं अगर काट भी डालोगे तो खून नहीं निकलेगा इतना घबरा गए हैं इतना अचंबे में इस कदर चौंक गए हैं कि खून नहीं निकलेगा खून जम गया है तो ये मुहावरा कहा जाता है कांटो तो खून नहीं यानी वो हमने जो खबर सुनी तो बस समझिए काटो तो खून नहीं और मुहावरा है कि हाथ मल के रह गए यानी कोई चीज इस तरह से आपसे छीन ली गई या कोई ऐसा नुकसान हो गया कि जिसमें आप कुछ कर नहीं सके आपका कोई इजारा नहीं था कोई उसमें आपका कोई जिसको कहना चाहिए काबू नहीं था उस सिचुएशन पर तो बस कहते हैं हाथ मल के रह गए कलेजा मुंह को आना यानी इस कदर रंज और अफसोस होना इतना गम होना उसकी एक्सट्रीम जो सिचुएशन होती है यानी इंतहा होती है तो कहते हैं बस ये सुन के तो बस ये समझिए कि कलेजा मुंह को आता है अलल्ले तलल्ले बहुत इस्तेमाल होता है अल्ले तल्ले के माने ये होते हैं कि किसी चीज़ की बहुत फरावानी हो अबंडेंस हो बहुत ज़्यादा हो बहुत मौज मस्ती बहुत ऐश हो कहते हैं भाई उनके तो बड़े अल्ले तले हैं अल्ले तलल्ले है। की तरह एक और भी मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है औज मौज है कहते हैं भाई उनकी तो बड़ी औज मौज है यानी बड़े ऐश हैं उनके बहुत ऐश कर रहे हैं बहुत आराम से हैं तो या बड़ी पूछ है कहीं किसी दरबार में या किसी जगह बहुत रसाई है किसी की बहुत मौज मस्ती में है कोई तो उसको कहते हैं कि उनकी तो औज मौज है तराजन एक और मुहावरा इस्तेमाल होता है कि उनको तो कोई आर नहीं है आर नहीं होने का मतलब ये होता है कि उनको किसी चीज़ का लिहाज नहीं है कोई ऐसा शख्स है कि जो किसी चीज़ का लिहाज नहीं करता किसी के सामने भी कुछ कह देता है कुछ कर देता है ना उसको अपनी इज्जत का ख्याल है ना दूसरों की इज्जत का कोई ख्याल है यानी उसको अपनी आबरू की को कोई फिक्र नहीं है तो कहते हैं कि अरे भाई इनको तो किसी बात का किसी चीज़ का आर ही नहीं है इनको यूँ तो बेगमाती मुहावरे इस कदर हैं कि अगर उनके लिए बहुत से प्रोग्राम भी किए जाएँ तो भी वो काफ़ी नहीं होंगे लेकिन आज के लिए इतने मुहावरे काफ़ी हैं और आपसे गुजारिश है कि आप हज़रा इन मुहावरों को अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ज़रूर लाएँ और देखें कि आपकी ज़बान में कैसा लोच और कैसी नगमगी पैदा होती है लखनऊ की ज़बान जो है उर्दू वो हैदराबाद दिल्ली और और भी जो उर्दू स्पीकिंग मकाम हैं उनसे मुख्तलिफ ना होती अगर यहाँ बेगमाती जबान ना होती उसमें बेगमाती जबान का बहुत अहम इसमें किरदार है इसने लखनऊ की जबान में एक नया लोच और एक नगमगी और लहजे में एक नरमी पैदा की है इसी के साथ अब आज के इस प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ तब तक के लिए इजाज़त लेकिन इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात अपने इस चैनल कल्चर बाजार को देखते रहें अपने दोस्तों को भी दिखाएं और उनसे इसको सब्सक्राइब करवाएं और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर नवाजें जिस जिस तरह से आप अपने कमेंट्स हमेशा हमें भेजते हैं ताकि उसी हिसाब से हम आगे के एपिसोड्स को तरतीब दे सकें अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज़ आदा